इंसान गलत काम करने भी वाला होता है तो थोड़ा रुक जाता है। भैया ये कौन है? है कौन ये? चाहते कि हमें कोई गुरु मिल जाए, कोई कोच मिल जाए और हमारा जीवन पलट दे। एक सच्चे गुरु का काम गुरु बनना नहीं होता, एक सच्चे गुरु का काम होता है अपने आप को हमेशा बार बार बोल सकते हैं सावधान। जीवन में ये बहुत जरूरी है कि हम खुद पे फोकस करें। यहां एक बात लिखी हुई है कि लेट्स फोकस ऑन आवरसेल्व्स। हम जिंदगी में कई बार कंपनी पे फोकस करते हैं, प्लान पे फोकस करते हैं, टीम पे फोकस करते हैं, अपलिंक पे फोकस करते हैं, डाउनलिंक पे फोकस करते हैं, परिवार पे फोकस करते हैं, देश पे फोकस करते हैं, सरकार पे फोकस करते हैं, अंतरराष्ट्रीय घटनाओं पे फोकस करते हैं और कई और भी बेकार की चीजों पे, हजार चीजों पे फोकस करते हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं कि हमें खुद पे फोकस करना था। और जिस इंसान ने खुद पे फोकस कर लिया उसके ऊपर दुनिया का फोकस चला जाता है, राइट? इसे समझिए, राइट? जिस इंसान ने खुद पे फोकस कर लिया उसके ऊपर दुनिया का फोकस चला जाता है कि नहीं भैया ये कौन है? है कौन ये? क्योंकि वो खुद पे फोकस कर रहा है। अगर आपने खुद पे फोकस कर लिया, अगर आपने खुद को डेवलप करने के बारे में सोच लिया, खुद को और अधिक स्किल्ड करने के बारे में सोच लिया, खुद को और मेहनती बनाने का सोच लिया, खुद को और साहसी बनाने का सोच लिया, खुद को और समर्पित करने का सोच लिया, खुद के अंदर अच्छे बदलाव लाने का सोच लिया, अपने ऊपर फोकस। आपने सुना होगा ना कि एक सीसीटीवी कैमरा होता है और कहीं कहीं पर लिखा रहता है कि सावधान, आप कैमरे की नजर में है। तो इंसान गलत काम करने भी वाला होता है तो थोड़ा रुक जाता है कि भैया कैमरे की नजर में है। आपको अपनी जिंदगी का सीसीटीवी कैमरा बनना हो, बी दैट कैमरा फॉर योर लाइफ, फॉर योर सेल्फ। और अगर आप अपनी जिंदगी का सीसीटीवी कैमरा बनके और अपने आप को हमेशा बार बार बोल सकते हैं सावधान, अपना नाम लेके सावधान सशीश, तुम कैमरे की नजर में हो और तुमने एक साल का प्रण लिया है कि तुम वो करोगे जो तुमने 25 सालों में आज तक नहीं किया था, राइट? ये जो एक बात है, अपना नाम लेके सावधान सशीश, दिस इज नॉट योर जॉब, तुम कैमरे की नजर में। हम चाहते हैं कि हमें कोई गुरु मिल जाए, कोई कोच मिल जाए और हमारा जीवन पलट दे। और आपको पता है ये बड़ा ही मुश्किल काम है कि कोई गुरु मिल जाए, बड़ा ही मुश्किल काम है कि कोई और आपके जीवन को ठीक कर दे। फाइनली जो स्वामी विवेकानंद कहते हैं वही सच है कि एक टीचर का इतना ही रोल है कि वो लोगों के अंदर के टीचर को जगा दे, दैट्स ऑल। स्वामी जी का ये कहना है कि हर इंसान के अंदर एक टीचर होता है, that there is a teacher inside everyone, वो कहते हैं कि हर इंसान के अंदर एक गुरु है, हर इंसान के अंदर एक टीचर है। और एक सच्चे गुरु का काम गुरु बनना नहीं होता, एक सच्चे गुरु का काम होता है उसके अंदर के गुरु को जागृत कर देना कि वो जाग जाए उसके अंदर का गुरु, राइट? तो समझ में आ जाए। आपको अपना गुरु स्वयं ही बनना होगा और कोई ऑप्शन नहीं, और कोई चारा नहीं है, और कोई रास्ता नहीं बचता। आपको स्वयं का ही गुरु बनना होगा कि मुझे खुद को ट्रेन करना है, मुझे खुद को आगे, मेरे निर्णय मुझे लेने हैं। और जो निर्णय आप रोज ले रहे हैं वही आपका भविष्य बना रहे हैं। आज आपने क्या डिसाइड किया इसी से तय होगा कि कल आपको क्या प्राप्त होगा। जो आज आप निर्णय कर रहे हैं वही कल की प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त करेंगे कि कल आपको क्या मिलने वाला है। वो आज के निर्णय पर डिपेंड करेगा कि आज आपने क्या करने का निर्णय लिया। और देखिए डिसीजन के साथ दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है, व्हाट यू डिसाइड इज नॉट मोर इंपॉर्टेंट देन व्हाट यू डिसाइड टू मैनेज। आपने डिसीजन लिया बट डिसीजन को मैनेज नहीं कर पाए, यू विल लूज। आपने डिसीजन लिया कि मैं पढ़ूंगा लेकिन मैनेज नहीं कर पाए, यू विल लूज। आपने डिसीजन लिया लेकिन डिसीजन को मैनेज करने का डिसीजन नहीं लिया, यू विल लूज। देयर टू थिंग्स विद डिसीजन, राइट? द फर्स्ट यू टेक डिसीजन, द सेकंड यू टेक द डिसीजन टू मैनेज द डिसीजन। पहला है कि आप डिसीजन लेते हैं, दूसरा आप उन डिसीजंस को मैनेज करने का डिसीजन लेते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए जो डिसीजन लिया वो करूंगा, जो निर्णय लिया वो करूंगा। तब जाके आप अपने
कल को बेहतर बनाते हैं। आज आप वही हैं जो कल तक आपने किया था, कल आप वही होंगे जो आज आप करेंगे। That's very simple, right? आपने कल जो जो काम किए हैं उसके बदौलत आप बने हैं। चाहे आप जितने भी बन पाए हैं, जो भी बन पाए हैं, वो आपके पास्ट के कामों का नतीजा है। आपका फ्यूचर आज के कामों का नतीजा होगा। एक साल अगर आपने अपने टाइम का मैक्सिमम लेवल बढ़ा के काम कर लिया, तो मैं नहीं जानता कि यहां पे जितने लोग बैठे हैं उसमें कौन बड़ा बनेगा, नहीं बनेगा, कितना कमाएगा। मैं इस बात के लिए पूरी तरीके से आश्वस्त हूं कि हर इंसान कम से कम 6 फिगर के इनकम का मालिक अवश्य होगा। इतना तय है, एकदम होना ही होना है। हमारी गलती बस इतनी होती है कि हम अपने जीवन में खुद के ऊपर फोकस नहीं कर पाते। खुद के ऊपर फोकस कीजिए, अपना कैमरा भरिए। आप बहुत बड़े खजाने हैं, आपके अंदर बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन हम उसे मिस करते चले जाते हैं क्योंकि हमारा फोकस दूसरों पे होता है। हम हमेशा दूसरों की तरफ देखते हैं, हम खुद की तरफ बहुत कम देख पाते हैं।